मेरा नाम है सुनीता एंड मैं बैंकर हूँ। महागुन मायवुड्स इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे बहुत खुला और स्पेसेस और मतलब जो भी फ्लैट बने हैं वो काफ़ी स्पेसेस हैं और नीचे जो एरिया है वो काफ़ी ओपन है, चाहे वो चिल्ड्रन प्ले एरिया हो या बड़ों के लिए प्ले एरिया हो, सब कुछ, इसलिए हमने चूज़ किया ये। और ब्रांड काफ़ी अच्छा है और टाइम से पोजीशन दी है इन्होंने इसलिए। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बैंकर बाई प्रोफेशन। महागुन मायवुड्स इसलिए चूज़ किया है हमने कि एक तो ब्रांड इक्विटी काफ़ी अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इनका, और सेकंड थिंग यहाँ का जो जो एरिया है काफ़ी स्पेसिस है, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने एक स्पेशल एरिया आइडेंटिफाई किया है, चाहे वो चिल्ड्रन पार्क हो, चाहे वो क्लब हो, हर एक कम्युनिटी के लिए, चाहे वो चिल्ड्रन के लिए है या यूथ के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो, हर एक लिए एक एरिया आइडेंटिफाइड हो, टाइमली उन्होंने जो है उस चीज़ को पोजीशन दी है हर चीज़, और हर चीज़ मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट वो अंदर ही है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पार्टी एरिया कोई भी छोटा फंक्शन करना हो या बड़ा फंक्शन करना हो तो सब कुछ अंदर ही है, अवेलेबल है। इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली NCR से आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी होप है, प्लस सेकंड थिंग इस एरिया के जो एडजॉइन एरिया है वहाँ IT हब काफ़ी नोएडा जैसे नोएडा है वो डेवलप हो रहा है, उसके बाद जो है आपका जो दिल्ली NCR में जो अभी सरकार ने भारत सरकार ने जो पेरिफेरल रोड बनाया है उससे जो एडजॉइन रहेगा तो फ्यूचर में जो उसके प्रोस्पेक्ट ग्रो होने के ज़्यादा रहेंगे। जो बजट हमारा था उस बजट में अगर हम कहीं और देखते तो उतना स्पेसेस फ्लैट नहीं मिल रहा था हमें, लेकिन ये बजट में होते ही हमें अच्छा स्पेस वाला फ्लैट मिल गए। कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट को लेके अच्छी है यहाँ पे, मैं डेली आती जाती हूँ यहाँ से इंदिरापुरम, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को वेट करना पड़ता है किसी चीज़ का, कैब अवेलेबल होती है, ऑटो अवेलेबल होते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको कहीं दिल्ली में भी जाना है तो मेट्रो की बसेज अवेलेबल हैं, हर 15 मिनट के डिस्टेंस में आपको टाइम के डिस्टेंस में आपको बसेज अवेलेबल होती हैं और वेट नहीं करना पड़ता, यहाँ तक कि लेट भी हो जाते हैं रात को, कोई रिस्क नहीं है ऐसा कि हाँ कि नहीं आ सकते। NH 24 नियर बाई है, सब चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं वहाँ पे, और नियर बाई यहाँ से बाहर जाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट है, ऑटो वगैरह सब मिलते हैं, और हर जगह कैमरे अवेलेबल हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती भी है तो सिक्योरिटी रूम में जाओ तो वो एकदम से दिखा देते हैं कि हाँ कौन सा कैमरा ऑन करना है, वो ऑन करके दिखा भी देते हैं हमें। महागुन ने एक स्टार्ट किया है अपना एक अपना कॉम्प्लेक्स करके एक सॉफ्टवेयर पोर्टल स्टार्ट किया है जहाँ आप अपने आप को रजिस्टर करते हो और वहाँ अपनी कंप्लेंट लॉन्च करते हो, जैसे कंप्लेंट लॉन्च करती है तो वहाँ एक एक्सक्लेशन मैट्रिक्स है, फर्स्ट एक्सक्लेशन, सेकंड और थर्ड, तो एनी हाउ आपको 24 आवर्स में उसका रेजोल्यूशन मिल जाता है। मेन वो था कि खेलने के लिए दिक्कत होती है या यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते, बट यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मतलब बच्चों को आप प्ले एरिया में छोड़ के जा सकते हो कहीं पर, आपको अपना काम करना है तो वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है हमें यहाँ पे। और मेरे लिए फर्स्ट है प्रोजेक्ट का लेआउट और प्लस डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग वन ऑफ द बेस्ट। मेरा नाम अक्षिता है और मैं सेठ अनंतराम जपरिया स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी क्लास 5G है, मुझे इस सोसाइटी में खेलना पसंद है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे एक क्लब भी है, यहाँ पे 3 स्विमिंग पूल है, एक मीडियम है, एक किड्स है और एक अडल्ट, यहाँ पे लॉन टेनिस भी है, क्रिकेट भी है, और क्लब में पूल है, टेनिस है और एक किड्स प्ले एरिया है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ।